फैक्ट ये बहुत बड़ा कि टेस्ट जो है ना मैगी का माउंटेन्स में बिल्कुल डिफरेंट आता है, तो जल्दी से खाते हैं, उसके बाद निकलना भी है। तो यार अभी ना लंच वगैरह करके हो चुके हम लोग फ्री, बाकी चेंज इन प्लान, पहले हम लोग ले जा रहे थे ना, बट अर्जेंटली हम लोगों को निकलना पड़ रहा है मनाली। मनाली क्यों निकलना पड़ रहा है वो मनाली पहुंच के बताता हूँ आपको, मैं ना बहुत इंपॉर्टेंट काम पड़ गया है। अभी हम लोग है लाचुंगला के पास, तो अभी यहाँ से जा रहे हैं वापस मनाली को, तो एक बार मनाली चलते हैं ना, फिर आपको वहां जाके बताता हूँ कि क्या इमरजेंसी पड़ गई हम लोगों को। गाड़ी के अंदर ना सब जगह देखो धूल ही धूल हो गई है, और हमने वैसे भी जम्मू से आगे वॉश नहीं कराई थी, वॉश अच्छे से करानी पड़ेगी। और क्या बढ़िया व्यू है सामने, नज़ारे देखो। बढ़िया काम चला गया इस बढ़िया काम। यहाँ पे गाड़ियां फंस रही है सबकी, यहाँ पे टच हो रही है ना, इसलिए मैं उधर गया था। एक ब्लेनो फंसी हुई थी अभी, अपनी वाली इशू तो आ गई पीछे से। गाइस अभी ना आपको मैं मरमेट दिखाने के लिए रुका हूँ, ये होते हैं मरमेट, देखो ये दिख रहा है, बस भागे ना मेरे वहाँ जाने तक। ओ घुस गया अंदर। और अभी ना हम लोग सर्चू में रुके हुए, एक्चुअली यार ये वाला ना फ्रेंड का कैंप है, तो यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके थे, बाकी यहाँ पे मरमेट दिख रहे हैं मेरे को। और ना ये ऐसे बहुत सारे छेद कर देते हैं और इसके नीचे रहते हैं लोग सारे। अभी तक यहीं था, अभी घुस गया अंदर, पता नहीं कहाँ गया, अब नहीं निकलेगा। ये सारे छेद दिख रहे हैं आपको, ये लोग ना इनमें रहते हैं। अभी ना यहाँ पे बकरी वाले और इतनी सारी बकरियाँ वहाँ पे ना, और हम लोग ये वाला शॉट ले रहे हैं गिम्बल से। तो यार 5:42 हो गए और अभी पहुँच गए हम लोग 12 लाचा। अभी यहाँ से अराउंड 4 घंटे लगने वाले हैं हमको मनाली पहुँचने में, पहुँचेंगे आराम से। 6 बज गए ना, अराउंड 10 बजे तक तो हम पहुँच ही जाएंगे। और ना बर्फ़ है यहाँ पे, इतनी सी बर्फ़ है देखो, उतनी ज़्यादा नहीं है, है बर्फ़ थोड़ी पूरी। 12 लाचा से नीचे उतर रहे थे हम लोग ना, और यहाँ पे लग चुका है ट्रैफिक। जो नीचे सूरज ताल है ना, सूरज ताल के पास काफी तंग रास्ता है, तो नीचे से ट्रक्स वगैरह आ रहे हैं, तो लाइन लगी हुई है यार। अब लगे ना गाड़ी में बढ़िया गाने, साउंड बढ़ाते और एंजॉय करते हुए जाते हैं, ट्रैफिक से निकल गया। और यार वहाँ पे ना स्विफ्ट वाला है कि इससे गाड़ी नहीं चल रही है, उनको बच गया, पता है 2 बार बच गया ट्रक से बचने से। क्लच भी चल गया ना, क्लच भी चल गया। और फिर अभी ना हम लोग दारचा ब्रिज पहुंच गए, यहाँ पे कराएंगे हम एंट्री, उसके बाद निकलते हैं घर। और टाइम हो गया अभी अराउंड 7:23, और आज मेरा व्लॉग भी नहीं आया है, देखते हैं लाइव आऊंगा घर जाके। तो यार अभी ना हम लोग केलोंग पहुंच गए, और अभी लाइट में सेट कर रहा था एक्चुअली रात को ना, अभी तो प्रॉपरली आपको दिख नहीं रहा होगा, ये नीचे हमने 2 लाइट्स लगाई हुई है, ये ना ज्यादा ही अप हो गई थी, इसको डाउन कर रहा था, और रोशनी बहुत अच्छी है इनकी, बताओ येलो भी है व्हाइट भी। गाइस 9 बजने वाले है, ठीक है टाइम दिखा देता हूँ अभी मैं आपको, 8:52, और अटल टनल हम एंटर हो चुके हैं यहाँ से 15-20 मिनट, और वशिष्ठ ऑफिस। यार जैसे ही टनल के एंड में पहुँचते हो ना, एकदम रोशनी हो जाती है, कोई बोल ही नहीं सकता है कि इसके बाहर निकलेंगे तो अंधेरा होगा। और ये ना आगे गाड़ी वाले बहुत फन करते हुए जा रहे हैं, ओ देखो निकल गया बाहर। अभी भाई ने क्या किया, वीडियो बनाने के चक्कर में डांस कर रहे थे और राइट को ही ले गया था गाड़ी, पता VLC प्लेयर उड़ा देते सारे, बस देखो पूरा पूरा फन। सिटी मार रहा है भाई, और पुलिस वाले वहाँ बैठे हुए देखो, फर्क ही नहीं भाई को, ये फर्क ही नहीं है। गिरा ना करे गलती से ना जी, जो ये ट्रैफिक इतना लंबा है ना, आराम आराम से चले हुए हम, और 9:40 हो चुके हैं, 20 मिनट तो हो चुके हैं हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए, और शायद से आधा घंटा और लगने वाला है। तो यार एक तो आज का दिन वैसे ही काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था, अब तो मन कर रहा है घर जाके ना नहाना है, और कुछ नहीं पता है, और अब तो भूख भी लगनी स्टार्ट हो गई, अब घर जाके खाना भी खा लेंगे, बाकी देखते हैं ट्रैफिक से कितनी देर में निकलेंगे। लाइन चली हुई है बिल्कुल आराम आराम से, और बस घर पहुंचना है भी जल्दी से। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। सो यार आज है डे 2, एक्चुअली डे 2 है ये वीडियो का, बट जिस दिन हम लोग गए हुए थे ना ले, मतलब आधा ले जाके वापस आए हम, उसका डे 2 नहीं है ये, मैंने 2-3 दिन का गैप ले लिया था क्योंकि मेरी वीडियोस काफ़ी पीछे चली हुई थी, बट वीडियो का ये है डे 2। बाकी अभी के सीन्स ऐसे है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ थोड़ा सा बंटू भाई के वहाँ पे, और बंटू भाई के वहाँ जाने का रीज़न ये, जल्द ही निकलने वाला हूँ मैं अपनी बीस्ट में लॉन्ग ट्रिप पे निकलने वाले हम लोग एक ना,
गाड़ी का थोड़ा सा काम करवाने को है, बाकी इंजन से रिलेटेड बाकी सारा काम हो चुका है, छोटे मोटे काम है दो तीन करवाने को, वो जाके करवाते हैं। और एक काम करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ना, और शाम हो चुकी है, आज की शाम की करते हैं शुरुआत, लेट्स गो। तो यार अभी ना विशु आ चुका है मेरे साथ, बाकी वशिष्ठ में बारिश नहीं पड़ रही थी, जैसे बांग एंटर हुआ ना बारिश हो चुकी है स्टार्ट। मनाली का मौसम है जैसे मैं हर बार बोलता हूँ ना, पर यार रेड लाइट पता नहीं क्यों दी हुई है। तो यार अभी ना बंटू भाई की शॉप पे मैं पहुंच चुका हूँ, तो करते हैं अपनी बीस्ट का काम स्टार्ट। और आपको मैंने एक चीज नहीं दिखाई, मैंने पिछले कल की हुई थी, यहाँ पे देखो यहाँ पे लग चुका है बीस्ट। वैसे ब्लैक में मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, आप लोग कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। बाकी मैं सोच रहा हूँ इसको ना ब्लैक की जगह इस पे सिल्वर टेपिंग करा के सिल्वर कर देते हैं इसको, कुछ इस तरह से लगा हुआ है बीस्ट। और फ्रंट में अच्छा लग रहा है, काफी बड़े बड़े फॉन्ट्स है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, जो ये तरपाल है ना मेरा, अभी मैंने खोल दिया साइड से, क्योंकि ये जो स्ट्रिप होती है ना ये अंदर नहीं घुसी हुई थी, तो हवा से हिल रहा था ये, और जो ये वाली रॉड है ना अंदर वाली ये भी हिल रही है, इसमें नट्स नहीं लगाए हुए थे, तो ऑफ रोड में आवाज कर रही है, तो इसको करते हैं पहले। तो यार अभी ना वो देख सकते हो आप, ये यहाँ पे नट नहीं लगे हुए थे, तो ये वाले नट लगा रहे हैं, बाकी करते काम है ना बंडू भाई, तंग करूंगा आपको फिर से। तो गाइस अभी ना आपको भाई घुसा गाड़ी के नीचे, और यहाँ पे ये निकल रहा हूँ मैं नट, देखो और ना कुछ इस तरह से घुसा हुआ हूँ, करते टाइट इसको। तो यार अभी ना मैं आया हुआ था बांग, और एक्सयूवी यहाँ पे लगाई थी काफी दिन से लेकर, और यहाँ देखो किसी ने ना वाइपर तोड़ दिया इसका, ये नुकसान हो गया यार, शायद से बच्चे भी ना लटकने की कोशिश की हुई इस पे ना, और अभी आया देखा तो वाइपर लटका हुआ नीचे, नुकसान हो गया यार। एक्चुअली ना वशिष्ठ में हमारे पास पार्किंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो ये वाली जो जगह ना नानू की जगह है, तो मैंने उनको बोला था मेरे का गाड़ी को मैं यहीं पे पार्क करता हूँ थोड़े टाइम के लिए, बट यहाँ पे पार्क किया और किसी ने तोड़ दिया, ज़्यादा नुकसान नहीं है वाइपर ही तोड़े, नया डल जाएगा। यार अपनी गाड़ी का सारा काम हो चुका है ना, बस एक अंदर ब्लूटूथ की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं सिर्फ मेरा फ़ोन ही कनेक्ट होता है इसमें ना भाई, विशु का अपना फोन कनेक्ट करने की लगी हुई, तो वो उसकी सेटिंग कर रहे हैं स्टीरियो में अभी। बाकी एक बार तरपाल आप चेकआउट करो, बिल्कुल टाइट हो गया यहाँ से ना, बढ़िया। अदरवाइज क्या होता था, हवा आती थी ना आवाज़ करता था, फिटिंग भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है इसकी, पीछे से रॉड्स भी आवाज़ नहीं कर रही है, बढ़िया है काम एकदम। और ना जो पीछे मैंने सीट की बेल्डिंग की थी ना वो निकल गई थी, वो भी मैंने करा दी है, बाकी अब यहाँ से निकलते हैं घर को, बाकी ऊपर जाके मिलते हैं आपको अब। तो यार उस टाइम मैंने आपको बोला ना कि घर चलते और घर जाके आपसे मिलते, तो जाते जाते क्या हुआ, बंटू भाई ने म्यूजिक सिस्टम चलाया, कहते तेरे पीछे के स्पीकर अच्छे से नहीं बज रहे, तो चेक किया हमने, वो अपोजिट बज रहे थे, मतलब राइट फ्रंट का राइट बज रहा है, तो लेफ्ट बज रहा है रेयर का, अपोजिट बज रहे थे, तो हम पता क्या कर रहे हैं अब, यहाँ पे दिख रहा है आपको हम ना, जो ये वाले स्पीकर ना ये अच्छे से नहीं बज रहा, हिल रहा है, इसकी जगह ना हम ये वाले स्पीकर्स लगा रहे हैं, ये ना होंडा के स्पीकर्स है, होंडा सिटी के, और अभी चेक किया हमने बहुत सही बज रहे हैं, है ना बंटू भाई, बहुत सही बज रहे, तो एक बार लगाते हैं फिर आपको साउंड टेस्ट कराएंगे। तो वैसे अभी ना मैं आ गए थे चाइनीज स्क्रू लेने के लिए, ये लगाने हमने स्पीकर में, और वेदर चेकआउट करो एक बार, ऊपर पूरा खराब हो रहा है, देखो इस साइड से ना पूरी फॉग ही फॉग आ रही है, बारिश ना ऑलमोस्ट पड़ने ही वाली है, जैसे कि मैंने आपको बताया था रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है, तो अब इसके बाद तो बारिश ही बारिश आने वाली है, और वेदर एक बार चेकआउट करो ना, पूरे में फॉग है वहाँ, देखो ठंडा हो गया मौसम काफी ज्यादा। तो यार हमने ना कुछ इस तरह से स्पीकर्स लगा दिए, आप देख सकते हो चाइनीज स्क्रू जो लाए थे ना चार, हमने यहाँ पे लगा दिए, और ऐसे बजेगा और काफी अच्छा बजेगा ये, ना होंडा सिटी के ओरिजिनल स्पीकर्स है, और यहाँ पे भी जुगाड़ चला है भाई, बंटू भाई सारे जुगाड़ करके दे देते हैं, तो बढ़िया एकदम। वैसे एक बार आपको मैं म्यूजिक सुनाता हूँ, ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली फिट कर दिया अब हमने, पीछे भी बज रहे अच्छे से। तो यार गाड़ी का काम हो चुका है परफेक्टली ना, अब यहाँ से निकलते हैं घर को, और बंटू भाई भी हमारे साथ ही जा रहे हैं, क्योंकि बंटू भाई की गाड़ी उनके पापा लेके गए, तो वो चलते हैं साथ में। अब ऑफिस में पहुंच चुका हूँ, बाकी अभी के सीन जैसे यहाँ से घर निकलने वाले, और जल्द ही ना बहुत लंबी ट्रिप लगने वाली है अपनी बीस्ट में, जैसे कि मैंने आपको बताया बीस्ट अपनी पूरी रेडी है, सर्विस भी हो चुकी है, और ना छोटे मोटे जो भी काम थे अपनी बीस्ट के सारे हो गए, ट्रिप में जाने से पहले सारे काम होने चाहिए। बाकी एक काम करते हैं, आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं कल के एक फ्रेश व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।